हम लोग चलते हैं जी डिज्नीलैंड। आए थे शॉपिंग करने या जा रहे हैं मेला घूमने, चलते हैं। ये जो भाई साहब है ये जो है झूला शो करना ही कर रहा है जी। आई हुई है रिलायंस ट्रेंड का जो वुमेन वाला जो है हम लोग के साइड में, तो जिया को ये पसंद आया है। पसंद तो नहीं आया, बस देख लो जो भी अच्छा लगे। तो ये एक अच्छा लगा मुझे, और भी ये भी अच्छा लग रहा है। हाँ ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है पहले तुम अपना देखो, तुम्हारा जन्मदिन है मेरा नहीं है। नहीं पहले आप देख लीजिए। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी कल है जिया का जन्मदिन, और जिया के जन्मदिन को लेकर के जो है हम लोग कर रहे हैं तैयारी। जी हाँ, तो अभी हम लोग चलने वाले हैं मार्केट चल करके जो हम लोग खरीदारी करेंगे। और क्रियांश जैसे ही देखा कैमरा ऑन हो गया, क्रियांश खुद बोलने लगी है, जय कर दिया। क्रियांश ने देखा आपने जय कर दिया। और करना है आशीर्वाद दीजिएगा हमारे बेटे को। हाँ बिल्कुल, तो हम लोग चलेंगे जी मार्केट। और बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बाकी जिया जल्दी से हो जाओ तैयार, हम तो बस तैयार ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तैयार हो गए कोई इसमें तैयार होना है, बस एक टी शर्ट पहने सब कुछ हो गया। तो नहाना मेरा शाम में ही हुआ है, तुम तो सुबह ही नहा लेते, कोई बात नहीं। तो जल्दी से तैयार हो जाओ, निकलते। ओए क्या दिखला है ये तुमको? वैसलीन का डब्बा मिल गया। कहाँ से वैसलीन का डब्बा मिल गया? क्रियांश ये काम जो करता है वो बहुत ही एक बेहतरीन सा काम करता है। ये देखिए ये जो कारपेट है ना, इस कारपेट को गिरा देता है, गिरा के भाग जाता है कि इसके शरीर के ऊपर ना गिरे जाए। हाँ इस कारपेट को नहीं गिराना है क्रियांश, क्योंकि हम यहाँ पकड़े हुए हैं। हाँ, जय चलो मंदिर ही चल रहे हैं, मंदिर ही चलेंगे हम लोग। चलो क्रियांश बाय चले। तो क्रियांश का सीट चेंज हो गया है, क्रियांश चला गया है उधर। हम लोग निकल लिए जी मार्केट के लिए। सोचा था कि क्रियांश को यहीं पर छोड़ देते हैं दादा दादी के पास, लेकिन फिर सोचा क्रियांश को भी चलो घुमा देते हैं बाहर, अच्छा रहेगा। और वैसे भी दादा दादी के पास जो है 1 घंटे 1.5 घंटे रहता है, फिर उसके बाद जिद करने लगता है मुझे ऊपर जाना है। तो सोचा चलो 2-3 घंटे के लिए लगभग कम से कम तो शॉपिंग होगी, इसको भी साथ ले चलते हैं। तो हम लोग पहुँच गए जी मार्केट, और यहाँ पर देख सकते हैं जाम कितना ज़्यादा है। मार्केट में वैसे ही अच्छा खासा जाम रहता है, लेकिन वहाँ जो रोड देख रहे हैं खोदा गया है दाहिना साइड का, तो इससे और जाम हो गया है यहाँ पर। तो भाई साहब ये रोड अब जब तक नहीं बनेगा कुछ ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी इस मार्केट की। और हमें जाना है कुछ दूर रिलायंस ट्रेंड के पास, तो वहाँ चलते चलते देखते हैं कितना समय लगता है। तो हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाने वाले थे, और थोड़ा बहुत घूमना भी था। हम लोग चलते हैं जी डिज्नीलैंड। आए थे शॉपिंग करने या जा रहे मेला घूमने, चलते हैं। और जी जैसे ही टिकट लेकर के हम एंट्री करने वाले थे डिज्नीलैंड मेला में, तो वहाँ देखा कि बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल गए हमें। यहाँ तो जी शुरुआत था सब्सक्राइबर मिलने का, फिर अंदर जब गए मेला घूमने। अब वीडियो को आगे देखते जाइए, बहुत सारे लोग मिले इस मेले के जो ट्रिप को जो है इन्होंने कुछ और भी ज़्यादा स्पेशल बना दिया। तो हम लोग आ गए हैं अंदर, और देख रहे हैं क्रियांश के लिए कुछ हो झूलने लायक, तो क्रियांश को उसमें झूला देंगे हम लोग। इसमें इसमें देखो बोलना धीरे धीरे उसको झूलाने। हेलो थैंक यू अच्छा है क्रियांश को एक मिल गई साथी। तो क्रियांश का सीट चेंज हो गया है, क्रियांश चला गया है उधर। उसका स्टेयरिंग ही डमाडोल है, घुमा रहा स्टेयरिंग। ओए क्रियांश हेलो क्रियांश। क्रियांश ध्यान भी नहीं दे रहा हम लोग की तरफ। ओए क्रियांश हेलो क्रियांश, कोई मतलब नहीं। चलिए थैंक यू, अच्छा लगा जानकर। और ये हमारा बेटा वहाँ पे। ये जो भाई साहब है ये जो है झूला से उतरना नहीं चाह रहा, बस इसको जो उतरना चाह रहे उतरना ही नहीं चाह रहा। अच्छा पीछे भी लग रहा है इसके लेके, ले लो पकड़ो इसको। तो किरण से एक और झूला पर बैठ गया है और देख रहे हैं एकदम मस्त है, इसमें स्टीयरिंग घुमा रहा है एकदम, जैसे लग रहा है कि गाड़ी ड्राइव कर रहा है, वही तो। और अच्छा है, उनके साथ जो है उनकी एक दीदी भी है साथ में जो क्रियांश का देखभाल कर रही है, अब जो है क्रियांश के लिए दोनों स्टीयरिंग है बिल्कुल। पहले हम लोग सोचते थे ये सब झूला क्यों रखता है, हम लोग के लिए तो यूज में है ही नहीं, ये ध्यान में नहीं आता था कि छोटे बच्चों के लिए बेस्ट है ये, झूले का यूज समझ में आ रहा है जब हमारा बच्चा हमारे साथ है। तो बाकी बच्चे सब जो है रो रहे थे कि हमें उतारा जाए, क्रियांश रो रहा था कि हमें उतारा क्यों गया, तो इसको बहुत मशक्कत के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद जो है इसको उतारा गया है। और अब देख रहा है और सब झूला सब देख रहा है, कौन सा झूला है वो पीछे वाला लंबा वाला। तो यहाँ पर हमारे पड़ोस के हैं दीदी। डिज्नीलैंड मेला जो है हम लोगों का घुमा हुआ हो गया और अब करते हैं कंटिन्यू शॉपिंग, कंटिन्यू क्या शुरुआत करते हैं। हम लोग आए थे शॉपिंग करने के लिए, चले गए और मेला घूमने के लिए, तो जो करने आए थे वही भूल गए, अब समय भी कम है। प्याज के आंगन सामने सब कुछ भूल गए। हाँ, तो इतने कम समय में तुम अब जितना चीज ले सकती है, चलो तो ये एक अच्छा लगा है मुझे, और भी ये भी अच्छा लग रहा है, हाँ ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, पहले तुम अपना देखो, तुम्हारा जन्मदिन मेरा नहीं है। नहीं, पहले आप देख लीजिए किसमें क्या है। तो पापा गए हैं ट्राई करने के लिए कपड़े को। जी वहाँ तो कुछ खरीदारी हो गई और खरीदारी करने के बाद जो है हम लोग आ गए हैं जी श्री मंदिर चौक में, और यहाँ पर जो है गणेश चतुर्दशी मनाया जा रहा है, तो अंदर चलते हैं, मेला भी अच्छा खासा लगा हुआ है। हमारे शहर में गणेश चतुर्दशी को इतने अच्छे तरीके से मनाया जाता है, हमें पता भी नहीं था, वो तो हमें पता चला बगल के एक बंदे से। जी हाँ, धन्यवाद उनका बताने का, जो हम यहाँ पर आए गणेश चतुर्दशी देखने के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा। वैसे रील सब पर वीडियो तो आ ही जाता है आजकल कि जहाँ भी मन रहा होता है, लेकिन ये चीज़ मिसिंग होता था कि काश हमारे भी शहर में गणेश चतुर्दशी मन रहा होता तो हम लोग वहाँ पर ज़रूर जाते। और जब यहाँ गए तो देखिए जी, अच्छे खासे लेवल पर मनाया जा रहा है, अच्छे खासे स्तर पर। नहीं है जहाँ गई नहीं थी, कटिहार में नहीं गई। दोनों हाथों की तालियां, दोनों हाथ लंबे लंबे करके। बहुत ही प्यारा, आओ दरबार में चलते हैं आज। दोनों हाथ खोल करके करवाया जाएगा, जितनी बार करवाया जाएगा उतनी बार गुलवाला जी महाराज की। जी हो गया मेला घुमा हुआ, और उसके बाद जो है चल दी हम लोग अपने घर की तरफ। सोचा कि पास के ही दुकान में देखते हैं, क्योंकि उस दिन मंगलवार था और मंगलवार को हमारे तरफ का जो मार्केट है ज़्यादातर बंद रहता है। तो हम लोग आ गए इस साइड कुछ खरीदने के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा जी वहाँ पर घूम। तो उस मेले से आगे जी काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पर घूम करके, कि मैं माहौल था वहाँ पर, और वहाँ पर जो है भजन कीर्तन करने के लिए जो संगीतकार आए हुए थे उन्होंने तो माहौल को और ज़बरदस्त कर दिया था वहाँ पर। और बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले, और जो भी सब्सक्राइबर मिले उन्होंने हमारी इस विजिट को जो है और भी थोड़ा स्पेशल कर दिया। तो सभी लोग क्रियांश को गोद में लेना चाह रहे थे, कुछ के गोद में तो क्रियांश चला गया और कुछ के गोद में नहीं गया। बाकी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं फालूदा खाने के लिए। जो खा रहा है जी, आई हुई है रिलायंस ट्रेंड का जो वुमेन वाला जो है हम लोग के साइड में, तो उस साइड में आई है। बंद कर दिया, देखिए क्रियांश चला गया ट्रायल रूम में। क्या ट्राई कर रहा है क्रियांश? तो जी आपको ये पसंद आया है? पसंद तो नहीं आया, बस देख लो जो भी अच्छा लगे। हाय बोलो, हाय 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 बोलो बोलो। मामा ले जाएगी बाबू को, अब ले जाएगी मामा। क्या कर लोगे? ले जाओगे बाबू को अपने घर? ले जाओगे बाबू को अपने घर? जाना है? मेरे घर चलिएगा।